आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान जो है वो हरियाणा में जो हमारे युवा हैं उनमें जिस तरह से ड्रग एडिक्शन बढ़ती जा रही है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश जो है वो कई चारों तरफ से पंजाब से और राजस्थान से इस तरह से जो है उनसे घिरा हुआ है, तो हमारे जो युवा बच्चे हैं वहाँ से पाकिस्तान से भी जो स्मगलिंग होकर ड्रग्स आती हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है लड़के भी और लड़कियाँ भी, और उन बच्चों की जो मौत हो जाती है वो सोशल स्टिग्मा की वजह से माँ बाप ये भी नहीं बता सकते कि ये बच्चों की मौत किस वजह से हुई है। मुझे खुद कितने घरों में जो है उनके यहाँ पर बैठने जाना पड़ा है, तो बहुत दुखद ये स्थिति है। मेरी सरकार से ये आग्रह है कि एक तो जो ड्रग्स के अंदर जो स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कोई कानून आए, और इसके साथ साथ हर जगह पर रिहैबिलिटेशन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर ज्यादा से ज्यादा, खासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिरसा लोकसभा की बात करूं तो बिल्कुल जो बॉर्डर पे डबवाली, कालांवाली, रानिया, नरवाना, जहां की भी मैं बात करूं, रतिया, बहुत ज्यादा वहां पर चारों तरफ ड्रग एडिक्शन हमारे युवाओं में फैल रही है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि डी एडिक्शन सेंटर और रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाए और स्मगलर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानून जो है वो सरकार लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।